नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक्स ऑफ लाइफ में। आज हम अनबॉक्सिंग रिव्यू करेंगे स्टीलबर्ड एचएफ, जो कि एक हैंड फ्री हेलमेट है और ऑक्स इनपुट के जो है साथ आता है। ऊपर की तरफ आपको इसका कोड मिलता है SBA-1 हैंड्स फ्री। साइड में आपको प्रोडक्ट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है SBA-1 HF डैशिंग। 60 सेंटीमीटर जो है इसका साइज और प्लेन वाइजर है ये। ब्लैक कलर में मैंने जो है इसे ऑर्डर किया है। आपको इसमें और भी कलर्स मिल जाते हैं। 2588 इसका MRP और नीचे आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बॉक्स में आपको हेलमेट मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको स्टीलबर्ड की लोगो लगी हुई मिल जाती है और नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा चेन सेक्शन मिलता है। इसमें मैट ब्लैक कलर है ये। आपको इसमें ग्लोसी रेड, यहाँ पर आपको वाइजर पे छोटा सा स्टिकर है, इसे आप जो है रिमूव कर से यूज करने से पहले। आपको ये प्लेन वाइजर मिलता है। आपको इसमें अलग अलग तरह के और भी वाइजर जो है मिल जाएंगे। सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप इन्हें सारे ही चेक जो है कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो सबसे पहले आपको आगे की तरफ जो एयर वेंट मिलता है, इसे आप ऊपर या नीचे करके एयर वेंट को जो है ओपन और क्लोज कर सकते हैं, जिससे जो है हवा का ट्रांसमिशन बना रहता है और आपको अंदर जो है घुटन नहीं महसूस होती। ऐसे ही एयर वेंट आपको ऊपर की तरफ भी मिल जाता है, जिसे आप जो है पीछे की तरफ पुश करके ओपन कर सकते हैं, और जब आप आगे कर देंगे तो यहाँ से आप जैसे थोड़ी सी इसमें हवा जा सकती है और अंदर की तरफ जो है इसमें आपको पसीना या बदबू की समस्या नहीं आती। और जब आप इसे आगे कर देंगे सर्दियों में जो है आप इसे बंद कर सकते हैं, ताकि आपको जो है ठंड ना लगे। आगे की तरफ भी आपको एयर वेंट मिल जाता है जाली, पीछे की तरफ भी आपको दोनों तरफ जो एयर वेंट्स मिल जाते हैं और ISI की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। तो ISI सर्टिफाइड हेलमेट है, तो प्रोटेक्शन में आपको कोई भी कंप्लेंट या क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी लाइट वेट है, लगभग 1 kg जो है इसका वेट है, और दोनों तरफ आपको जो एयर वेंट्स मिल जाते हैं ताकि एयर का ट्रांसमिशन जो है अच्छी तरह से हो सके। 1 kg जो है इसका अप्रोक्स वेट है, जो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और स्टीलबर्ड के एम्बेडेड लोगो आपको पीछे की साइड पर जो है मिल जाती है। मैट ब्लैक कलर है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। साइड में आपको वाइजर मिल जाता है। साइड में इसके वाइजर का जो रोटेशन है वो काफ़ी बढ़िया रखा गया है, और गैप्स में जो है रोटेट होता है और काफ़ी बढ़िया जंपिंग के साथ रोटेट होता है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे वो जो सिस्टम है काफ़ी पसंद आया। यहाँ से आप देख सकते हैं साइड से ये जो है धीरे धीरे जो है जो वाइजर है वो काफ़ी अच्छी तरह से जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं उसकी पोजिशन को, तो यहाँ से जल्दी जल्दी जो है हिलता नहीं। उसके बाद पीछे की साइड आपको सबसे पहले तो एक स्टिकर मिल जाता है स्टीलबर्ड का, स्टीलबर्ड कनेक्ट। यदि आप इनके ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप उसमें जो है हर हफ्ते ये ड्रॉ निकालते हैं डेली, तो वहाँ से आप कुछ प्राइजेज जीत सकते हैं। यदि आप इनके हेलमेट को परचेज करेंगे, इस पर आपको एक क्यूआर कोड मिलता है स्क्रैच कोड। साथ में आपको जो है इसके साथ एक छोटी सी अटैचमेंट मिलती है, जो कि स्पीकर्स के साथ जो आपका ईयर्स का गैप है उसे कम करने के काम आती है। और साथ में आपको इसमें एक लॉक मिल जाता है, इसे अपने टाइट करने के लिए अपने सिर पर। काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम क्वालिटी का लॉक है, स्टीलबर्ड के लोगों के साथ आता है। यहाँ से आप जो है इसे अंदर डालकर बड़ी आसानी से अपने हेड पर जो है इसे अच्छी तरह से टाइट जो है कर पाएंगे। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का और काफ़ी प्रीमियम लगता है, और काफ़ी सॉफ्ट और कम्फर्टेबल होता है ये। और साथ में आपको जो है इसमें एक छोटी सी पॉकेट मिल जाती है इसके साथ अटैच की गई ही। तो चलिए इस पॉकेट में देखते हैं कि हम क्या है। इस पॉकेट में आपको मिलती है एक ऑक्स केबल। जी हाँ, ये जो है ऑक्स इनपुट वाला हेलमेट है। इसमें आपको इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जाते हैं। ऑक्स आपको ड्यूल चैनल वाली ऑक्स मिलती है माइक और स्पीकर के इनपुट के साथ। गोल्ड प्लेटेड ऑक्स केबल है, तो काफ़ी बड़ी ऑक्स केबल दी गई है इसको। जो आपको साइड में हेडफोन वाला एक सॉकेट मिल जाता है, वहाँ पर आपको जो है ऑक्स केबल को डाल देना है। इसमें आपको एक छोटा सा बटन भी मिल जाता है, इससे जो आपको आप हेलमेट के अंदर म्यूजिक भी सुन सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप इसमें कॉलिंग का भी मज़ा ले सकते हैं बिना अपने मोबाइल को यूज़ किए। आप बटन को प्रेस करके कॉल उठा सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइड पे आपको जो है स्पीकर्स मिल जाते हैं इनसाइड की तरफ, जो कि एक ईयरफोन्स की तरह काम करते हैं और काफ़ी बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, और काफ़ी बढ़िया आपको अंदर कुशनिंग मिल जाती है आपके सिर को कम्फर्ट देने के लिए। पीछे की तरफ भी आपको काफ़ी बढ़िया कुशनिंग मिल जाती है,
और यहाँ पे दोनों साइड जो आपको स्पीकर पे भी काफ़ी बढ़िया कुशनिंग दी गई है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। स्पीकर की क्वालिटी मुझे कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी सेटिस्फाइंग लगी और आपको काफ़ी बढ़िया लगी कि आपको ऑक्स केबल को का जो एक सिरा है वो आपको अपने हेलमेट में डालना और दूसरा सिरा जो है आप अपने मोबाइल में डाल दीजिए और आपका मोबाइल जो है कॉलिंग करने के लिए तैयार है। आप हेलमेट में गाने सुनिए या कोई भी कॉलिंग कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ ऑक्स केबल को कैरी करने के लिए आपको एक छोटा सा पाउच भी मिल जाता है जिससे जो है आप इसे अपने हेलमेट के साथ हर समय अटैच रख सकते हैं और ये कभी भी जो है खोएगी नहीं। फाइनल रिव्यू की यदि मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी वाला और बढ़िया हेलमेट आपको मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पे। साथ ही साथ आपको एक ऑक्स इनपुट वाला फीचर मिल जाता है जिससे जो है आप बिना मोबाइल को अपने यूज़ किए म्यूजिक भी सुन सकते हैं और कॉलिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। कॉलिंग का जो है काफ़ी आपको मज़ा आएगा क्योंकि इसमें आपको काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी मिल जाती है और म्यूज़िक भी जो है काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी के साथ सुनाई देता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।